पता है गाइस मैंने ना रशियन बुलवाई है, कल आरती उतारेंगे मेरी रशियन। टू डॉग्स इन वन फ्रेम, वन खच्चर बिहाइंड द कैमरा। हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं इतनी खुश होके क्यों बात कर रही हूँ जबकि मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। रचित ने व्लॉग स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि अरे यार मेरा अपना खुद का भी तो चैनल है, मैं भी तो बातें करती हूँ, तो चलो मैं भी व्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ वैसे हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने, विटामिन डी की मेरे अंदर कमी है। तो कितनी राजी हो रही है विटामिन डी की कमी करा के? तो यार इतना कितनी राजी हो रही है, हॉस्पिटल जान दे, कितनी राजी हो रही है। तो यार क्या मुंह सड़ा के रखो, क्या तबियत तो वैसे है ही खराब। वैसे भी तो सारा दिन मुंह सड़ा के रखती है, दो मिनट ऐसे मुंह दांत दिखा के खुश करके अपने आप को ज्यादा वो बन के दिखा रही है तू, है सारा दिन भी तो मुंह सड़ा के रखती है। ज्यादा नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, फेंक दूंगी एक्सीवी उठा के, ज्यादा सीधा गिरेगा जाके सुपर कार में। वो तो मैं कल गिरने ही वाला हूँ सुपर कार में। तो गाइस खांसी कोल्ड सब कुछ हो रखा है, मैं क्या बताऊं, और ऊपर से विटामिन डी की कमी। तो अभी पहले हॉस्पिटल जाने से पहले जा रहे हैं हम मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि रचित का बर्थडे है और सुपर कार की डिलीवरी है, मीटअप है, उसके लिए भाई भाभी को भी रचित ने इनवाइट किया है। yes. तो अभी वो मेट्रो से आ रहे हैं, तो उनको हम जा रहे हैं पहुंच गए ना वो लोग शायद। नहीं, उन्होंने बोला था हम पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। अच्छा हाँ, तो 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो हम जब तक पहुंचेंगे तो तब तक वो भी पहुंच जाएंगे, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस लास्ट टाइम जब हम आए थे ना उनको मेट्रो से लेने, तो उनको करीब 15-20 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ा था, आधे घंटे तक। तो इसलिए आज हम टाइमली सबसे पहले ही जाके ले आएंगे, हो सकता है हम 5 मिनट पहले ही पहुंच जाए आज। मैं तो पिंस्टू से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, तुम? मैं भाई मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुपर कार के लिए और फिर नए घर के लिए। बस मैं हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ, अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। हाल फिलहाल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तेरे इंजेक्शन लगेगा ना तो तेरे दर्द होता है क्या इंजेक्शन लगते टाइम? तू भी ऐसी उई 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 करती है क्या सुई देख के? अरे यार दवाई खाने से मेरे को वो दिक्कत है, इंजेक्शन चाहे मेरे 20 लगा दो आप। अच्छा। इंजेक्शन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी रोई हूँ? लास्ट टाइम भी तो तू ही लेके गया था इंजेक्शन लगवाने, पर वो पर्दा लगा के लगाया था ना उन्होंने इंजेक्शन। तो मैं अब क्या पता आती है? क्या पता अंदर तेरे कैसी शक्ल बन रही थी, उई 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 उई। अब हमें क्या पता, देखा थोड़ी था। ओ भाई वैक्सीन भी तो लगवाई थी, उसका ब्लॉग बनाया था, क्या रोई थी मैं जब वैक्सीन लगवाने? कोविड की जब कोविड की जब कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल दर्द नहीं होता, लेकिन कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं बहुत दर्द होता है। नहीं लेकिन नहीं होता मेरे को इंजेक्शन में, बच्ची थोड़ी ना हूँ यार, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। एक काम कर तू भैंसा का सुवा लगवा ले, फिर मेरा लगेगा तेरा दर्द होगा कि ना होता। मैं भैंसा का लगा लूँ, तू ऊँट का लगवा ले। मतलब मैं लंबा हूँ तो मैं ऊँट का लगवा लूँ, सिब्बू मोटी है भैंस है तो भैंस का लगवाएगी है? तू लकड़बग्गा है। लकड़बग्गे तो छोटे छोटे होते हैं। लकड़बग्गा क्यों बोलते हैं? लकड़बग्गा छोटे छोटे होते, छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। किसने कह दी? छोटे छोटे होते हैं, पिद्दी पिद्दी से इधर उधर हांडते रहते हैं, डोलते रहते हैं, फिर इतने छोटे छोटे होते हैं, वो लोमड़ी से भी छोटे होते हैं। है ऐसा भी कुछ होता है क्या? मुझे तो पता नहीं था। मेरे घर में तो जो लंबा होता है उसको लकड़बग्गा बोलते हैं। इनफैक्ट मेरी बहन भी कौन से लकड़बग्गे लंबे हो गए, मेरी बहन भी बोलती है जब बात करती है ना मेरे से, हाल चाल पूछती है तो तेरे लिए पूछती है, अरे वो कहाँ है लकड़बग्गा? अच्छा, फिर मैं बोलूंगा फिर मिकिल से ही तू है? ये वो तेरे से बड़ी है, तू उसे कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, ये तो फिर बड़े लोगों को छोटों को बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। चिड़ गया। मैं क्यों चिड़ गया? कोई किलस गया। मैं नहीं किलसा। कोई किलस गया। गाइस मेरी भैंस को अंडा क्यों मारा? ओ गाइस ये देखो लकड़बग्गे को एक्सयूवी चला रहा है। तो गाइस हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमने बाहर गाड़ी लगा रखी है और हम 10 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और अब हम उनका वेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने उनको वेट करवा दिया था आधे घंटे, उन्होंने इस बार मेरे को वेट करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। बस मैं अब पिंस्टू से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, वो आए और मैं उसको ऐसे पकड़ लूंगी। भाई आपने व्लॉग में देखा होगा वो पकड़ लेती है मेरे को, कहीं जाने नहीं देती, फिर ऐसे करती है पा पा, इतनी पप्पिया कर देती है। और ये जो मेरे को कोल्ड हुआ है ना उसी से हुआ है, जब मैं लास्ट घर गई थी रक्षाबंधन पे उसको हुआ था, उससे मेरे को हो गया और अभी तक ऐसे ही है। आँख में फ्लैश लग गई एकदम, मजा आ गया। रचित ग्लो कर रहा है तू क्योंकि तेरा बर्थडे है, चमक है। रहा है भाई, किस बात की खुशी? लंबे लंबे वो क्या कहते हैं एज बढ़ने की,
एज बढ़ने की, अब कितने साल के हो जाओगे? 25 वो सिल्वर जुबली है मेरी। सो गाइस, मेट्रो से पिंसू को पिक करके और इंजेक्शन लगवा के हम लोग घर आ चुके हैं। अब जा रहे हैं ऊपर। अब हमारी पिंसू मिलेगी इंस्टू से। क्यों बेटू, संभालना थोड़ा सा। स्टार्टिंग में डर लगता है उससे। डर लगता है और क्या। मैं हूँ कॉल खोलता नहीं, हमने समझा रखा। इंस्टू कौन आया? इंस्टा नो, क्या चल रहा है ये? अरे बस इंस्टा नहीं, डर लगता है ना सबको, मत करो। अरे लाड कर दो थोड़ा सा, बस बस हो गया हो गया हो गया, मत करो, बस 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 हो गया हो गया हो गया, बैठ जा बैठ जा, गेट बंद कर लो अंदर जाके। सो गाइस देखो, हम लोग घर आ चुके हैं और ये रही हमारी क्यूट सी बेटू पिंस्टू। हेलो कर दे बेटा, हेलो पा कर दे। अरे अब तो बड़ी हो गई तू भाई। ये बेटा है, भैया है ये। इंस्टा को देख के कर रही है। आ जाओ भाई को बुलाना। ये देखो विनय समूली भी आ गया, सारा दिन घर से बाहर था और अब आया है और यहाँ बैठ के देखो चाय की चुस्कियाँ मार रहा है। मुझे भी चाय पानी कुछ दो। क्या चाय पानी मंगवाती हो ना तो बोल दो, अभी मंगवाती हूँ। भाई भाभी को चाय पीनी है, शर्मा शर्मा के बोल रही है। नहीं शर्माने वाली बात नहीं, मैं सोची आएगी खुद ही आएगी। नहीं नहीं नहीं, अरे आ तो गई, देख बोलना भी नहीं पड़ा। देखा नमस्ते बोल रहा है। नहीं नहीं मेरे लिए मत बनाओ, मैंने अभी तो पी थी। बेटू ए बेटू, बेटू के मतलब का कुछ होगा खाने का? क्या खाएगी ये बताओ, कुछ हल्का सा नमक। ये बताओ भाई, मेरी बिटिया मेरे को प्यार करेगी कि नहीं? बिटिया प्यार करेगी? अब मेरी बिटिया मेरे को प्यप्पा करेगी कि नहीं करेगी बताओ। पहले चाय पियोगी? अच्छा फिर कहाँ जा रही हो? कुछ बेटू के खाने का ले आओ ना। क्या बिस्किट? कुछ नॉर्मल नमक वाला सिर्फ। बोलो उससे दे देना। मैं जा रही हूँ। बेटी क्या खाएगी तू? चीज चीज खाएगी? हाँ बता रही थी भाभी। भाभी के साथ क्या चेन का क्या प्रैंक चल रहा है? चेन का मम्मी को और मुझे पता है, तुझे बता दे रहा हूँ। मैंने क्या करी अपनी चेन उठा कर, प्लीज बोलो सुनाई नहीं। अपनी चेन मैंने उठा कर रख दी है, मम्मी को दे दी मैंने। मैंने उसको लेकर रख के रखना, इसको चाहे करवा चौथ पे या जब मम्मी आएंगी और क्या पढ़ने वाले। हाँ इसका वो एनिवर्सरी हमारी बर्थडे है 5 अक्टूबर। 5 को तो बर्थडे है। हाँ। उस पे तो इसको अलग गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ। हाँ। ठीक है लेकिन बाल वाल कैसे कर रखे हैं? अरे इसके चक्कर में मैं कंघी तक नहीं कर पाया, इतना इसने परेशान किया। बाल है सर में जो कंघी कर रखे थे वही ना खराब हो गया, ऑयल है, कितना तेल लगा रखा है। तो इसको मैंने वही प्लान किया है, चेन रख लिया है मैंने। अब उसके बाद अब इसको चेन बनवाऊंगा, कह रही है नेम वाली चेन चाहिए। कोई नहीं मैं उसी में और ऐड करके तो बहुत वो तो बहुत महंगी बनती है। तो क्या हुआ मेरी चेन भी तो महंगी है। ये बात भी। ए बेटा जल जाएगा बेटा, गम गम है, गम गम बहुत गम है। ये रास्ते भर एकदम टेंशन में। हाँ। हाय क्या हो रहा है इस साल तुम्हारा, बहुत खराब चला गया। भाभी को बुलाती हूँ। भाभी इधर आओ ना, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं कह रही हूँ अब बताओ क्यों रो रही थी? रो क्यों रही थी? अभी मेरी मम्मी से फोन पे बात हुई थी, बता रही थी रो रही थी। हाँ। अपने पापा के फोन से मम्मी को फोन करके। हाँ मेरा फोन खो गया ना। कैसे कैसे खो गया? अरे यार मैं घर से निकली हूँ रिक्शे से और मेरे इसी जेब में था पैंट की। हाँ। अब पता नहीं कैसे गिर गया कि किसी ने निकाले, समझ ही नहीं आया। ई रिक्शा में घूम रही थी? ई रिक्शा से अपने ससुराल जा रही थी यार। अच्छा तुम्हारे घर आ रही थी? अच्छा वो मेरे घर। और तुम्हारे घर है? तुम्हारा नहीं है? मेरा नहीं है। तो बोलो ना अपने घर आ रही थी। फिर मुझे ना जोर से फिर यू टर्न लेके घर वापस जाना पड़ा, पूरी भीग भी गई, थोड़ा बैग भी भीग गए सारे। अच्छा। फोन अभी तक नहीं मिला। अच्छा ए विनय इधर आइयो। सो गाइस आपने सुन लिया मेरी भाभी कितनी दुखी थी बेचारी, इनका फोन जो है गुम हो गया, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कुछ दे देते हैं इनको। नया फोन लिया है? देखा तो कितना प्यार कब से। क्या ये? हाँ तो नया फोन है, इसको
खोलो खोलो, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं भाई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी यार, फिर मैंने कंप्लेन की थी शायद मिल जाता भाई। मैं 3 दिन से फोन ट्राई कर रही हूँ पिंस्टू से बात करने के लिए। क्यों, चोरी हो गया, खो गया फोन? गुम कर लिया। फिर आज मेरे को 2 बार फोन किया, फिर भाई के फोन नहीं, पे मैंने इस पे फोन दिया। मैंने अपने कम से कम सिम को चालू कर ले। कहाँ चालू करी? चालू है सिम इसके पास, करके तो देख फोन। कितनी बार तो फोन किया, एक बार फोन नहीं लगा। मुझे लगा फोन ही नहीं है, तभी तो ले आई मैं। बढ़िया यार, इतना प्यार तब से करने लगी मुझसे। फोन दिया, देख रहे हो ये। अच्छा इसको खोलो तो सही यार, पन्नी उन्नी हटाओ इसकी। ये भाई है, ये खोल खुलवाओ, अपना टेम्पर वेम्पर चढ़वाना। फोन दे दिया मैंने। भाई देख बेटा, मम्मा को नया फोन मिल गया है ना, अब तो तोड़ देगी। नहीं भाई, नहीं तो ये कैसे निकलेगा इसमें से? अब ये आ गया ना फोन का मैकेनिक, आ गया ना इंजीनियर साहब। मलाई वाली इसकी मलाई क्यों हटाई तुमने? इसने हटाई। ये देखो, देख बिस्तर पर गिराएगी अभी। अच्छा, देखा खोल दिया ना, असली का मैकेनिक। कुछ भी ये क्यों हंस रही है? क्या हुआ? हंस रही थी तेरे ऊपर, देखा था तू हंस रहा था, तो ये भी हंस रही थी। हंसो बेटा, हंस के दिखा दे भैया को, हंस के दिखा दे। क्या बुलवाओ चाचा? क्या कुछ भी बुलवा लो चाचा, बोलो चाचा। कुछ तो बुलवाना ही पड़ेगा ना। बोलो चाचा। क्या बोल? नहीं बोल पाती, नहीं बोल पाती भी। नहीं बोलती है चाचा, बोलती है चाचा, बोलती है। अरे तुम ये छोड़ो, ये बताओ फोन कैसा लगा? नहीं यार, फोन बहुत अच्छा है यार। चला के देखा भी, फीचर्स पता भी है उसके? अभी कुछ नहीं पता, बस मैं बहुत खुश हो गई। सैमसंग गैलेक्सी। हाँ भैया। अच्छा चलो सिबू से एक बात बताओ, वो फोन में उन्होंने चार्जर वार्जर कुछ दिया ही नहीं है। आईफोन वाला सिस्टम कर रहे हैं क्या वो लोग? सैमसंग वाले केबल होगी, केबल कुछ नहीं है, सिर्फ फोन ही फोन है। बॉक्स में तो कुछ नहीं आता, फोन है सिर्फ। हाँ सिर्फ फोन ही आता है। चार्जर? चार्जर नहीं आता, चार्जर नहीं आता एप्पल में तो नहीं आता। खैर सेल बढ़ाने के लिए सब लोगों ने लूटना स्टार्ट कर दिया है, बस फोन फोन देते हैं। अगली बार जाएगी तो कैमरा भी नहीं देगी। कुछ भी। अरे भाई पता किया मैंने, सब जगह हर जगह भी यही है उसमें। अब नहीं बोला ना, सारे के सारे उसको आईफोन को कॉपी कर रहे हैं। क्या मतलब, फोन देखना था या कि वो चाहिए चार्जर? उसका बॉक्स देखते ही बता दिया था कि उसमें नहीं आया भाई, चार्जर नहीं आया। तो चार्ज है या नहीं है फोन? चार्जर तो है, कई सारे हैं। नहीं कौन सा चार्जर, कौन सा चार्जर लगेगा ये पता देख लेना। शायद इसका तो आजकल सीट है भैया, आईफोन 15 में सीट आई पा रहा है बताओ भाई। देख लो भाभी फोन तो मिल गया, अब चार्जर तो ले ही लेना। है चार्जर अपने? चार्जर है, दो चार्जर है। सही देख लो, सही लगाना, वरना गलत चार्जर से फोन भी खराब होता है। भैया नहीं जा रहे क्लेम में, बता दिया तुम लोगों के पैसे बच गए हमने। ए तमाशा देख लो क्या कर रही है वो, पत्थर का है वो, फोन पे गिरा देगी पट से। कितनी शैतान है, देखो वही रखा है फोन भी, नए फोन की ऐसी जैसी करेगी अभी। सही लगा, ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? प्रूफ नहीं, इस पर लिखा है। पानी वानी में जाएगा, मैंने कहा पूल वूल में जाएगा कोई दिक्कत नहीं है? कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, उनको बोलने दो, रेजिस्टेंट में प्रूफ में फर्क होता है। अच्छा, रेजिस्टेंट मतलब एक इसकी लिमिटेशन है, थोड़ा बहुत पानी पड़ गया तो अंदर नहीं जाएगा। प्रूफ का मतलब होता है तुम डुबो भी दो, गहराई में निकाल लो तब भी ना जाए। ये सिर्फ रेजिस्टेंट है। अच्छा, थोड़ा बहुत पानी पड़ भी गया ना, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भाभी, फोन मिल गया, खुश हो? हाँ, बहुत खुश हो। वो जो चेन मांगी थी, चेन भी चाहिए क्या अब? वो मैं दिला दूंगा। है? वो मैं दिला दूंगा। भाई भाभी की डिमांड थी, अभी जब मैं घर गई थी भाभी यूं कह रही थी कि मुझे ना गोल्ड की चेन चाहिए जिसमें सचिन जी और ज्योति लिखा हो, मतलब हम दोनों का नाम लिखा हो। मैंने कहा कि जैसे ये मेरे पास है ना, कह रही जैसे ये है तुम्हारी, जैसे तुम्हारा सिंगल नाम लिखा है सिब्बू, ऐसे मेरा और तुम्हारे भैया का नाम लिखा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है दे दूंगी, 5 अक्टूबर को भाभी का बर्थडे आता है तो मैंने सोचा दे दूंगी। लेकिन फिर उससे पहले देखा कि भाभी ने कांड बिठा रखा है, फोन ही गुम कर रखा है, तो मेरे को इनको मैंने फोन दे दिया। वैसे भाभी मैं सस्ते में निपट गई, वो चेन महंगी बनती, वो समथिंग 1 लाख की बनती, 1 लाख की बनती ना, ये सस्ते में निपट गई मैं। मतलब गिफ्ट नहीं दोगे बटेगी? अरे मैं कह रही हूँ ये बताओ ना, इससे काम चला लोगी या वो भी देना पड़ेगा चेन? बस यार
जो मिल गया वो होता है बस। मम्मी ने इसको एडवांस दिया है बर्थडे के। क्या भेजा है? वो चांदी के वो बिछुए वगैरह भेजी है, पैर के रिंग जो। अब उनपे भाई उतनी सेविंग थी, मम्मी ने अपने खुशी से भेज दिया इसको। भाई मम्मी ने, मम्मी में बहुत सेविंग्स है, बहुत रखा है मम्मी ने। मेरे को इयररिंग भी दी मम्मी ने, देखा नहीं मेरे को? तेरे को दिया ना, तो अब इसके लिए मम्मी ने अभी कहा भी फिलहाल उसको ये दे दो, फिर जब मैं आऊंगी फिर कुछ ना कुछ लेके आऊंगी। भाई दिखता है बस कि पैसे नहीं रखे मम्मी ने, बहुत पैसे रखे हैं छुपा के, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने गड्ढे में भी रखे होंगे छुपा के, बहुत पैसे, अंधा पैसा है मेरी मम्मी के पास। और हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। कौन आया? ये कौन आ गया? ओ भाई लपेट ले जल्दी। वाव वाव, कौन आया बेटा? नमस्ते, खुश रहो। अभी बजने वाला है, सबसे पहले वो जाएंगे। अभी नहीं भाई, रुक जाओ, वेट चल रहा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मेरा फोन टन टन बोलना शुरू हो गया भाई। Happy birthday to Hello। तो मैं गांव की तो हूँ, गांव की नहीं मैं, रचित। वो साउथ अफ्रीका के पास नहीं है, आ जा बुराड़ी। भाई ये एसी की डायरेक्ट हवा आ रही है, इस पे ना लग जाए। भाई जो मेरे से हो पाया है यहाँ पे तो वो मैंने कर दिया है। और कितना पानी डाल रखा है उसमें? अरे वो बस टीका ही तो लगाना है बेटू। यार इंस्टा देखना फिर रचित लेट लगाए। एक ग्लास डाल देती पूरी, उसमें थाली में पानी पानी हो जाता। यार वो देना माचिस वाचिस दे दो, कोई लाइटर रखा है तेरे पास? चलो ब्रो केक काटने के लिए भाई, अलग ही खुशी है। हो रहा ना ये लाइटर वगैरह, केक वगैरह कुछ नहीं बनाना। क्या भाई है? भाई मेरे को तो आज 4 बजे का इंतजार है शाम के। बैठ जा, जब वो मैं पर्दा हटाऊंगा ना। चलो ठीक है, ले बैठ। आज मेरी सिल्वर जुबली है पता तुम्हें, 25 साल का हो गया मैं। बैठ जा, मेरी 2 साल पहले हो गई, 1 साल पहले। उनको तो बुला ले, आ जाओ। अरे भाई, पता है गाइस मैंने ना रशियन बुलवाया, कल आरती उतारेंगे मेरी रशियन है। और वो कह रहे थे हम ना नाचने के लिए बुलाएंगे, मगर नाचने के लिए क्या, इंडियन ड्रेस में बुलाओ ना, आरती वारती उतारे। और कसाना भाई वहाँ पे गाना चला देगा। भाई मैं कहाँ से आ गया? चलो ये इंस्टा का भी तो करना है, रुक जाओ ना गाइस, इंस्टा का भी तो बर्थडे है। दो ना जला दिए। अच्छा इंस्टु की अलग ही खुशी। आजा भाई, चीका शीका है यार। ये एसी की आवाज, एसी बंद कर दो ना, रिमोट गेट बंद कर दो ना। इंस्टा उधर आ जा, तू कोने में आ, उसको सब कुछ पता है, उसकी कोपचे में आ, कोपचे में बैठने दो। आजा आजा, सीट चल दोनों का, ये बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा, आजा आजा, चल दोनों बैठ, चल सीट सीट सीट, आजा इधर आ, इधर इधर। वो देख वो केक ये क्या कर रही है, हैप्पी बर्थडे ले भाई, तू खा ले, बैठ जा, खा लेगा रचित, तरीका तरीके से खिलाओ ना, बस बस पहले ही। चलो भाई सीट सीट बेटा सीट, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम तो उसे ओवरप्लेस कर रहे हो, सुन नहीं रहा सीट, देखा मेरे पास ही बैठा है इंचो, कर दे हट जाओ ना सीट, चल मेरा बीता। टीका लगाएगा टीका और क्या, कुछ है तो 2 साल का हो गया मेरा इंस्टा, 2 का हो गया है या 3 का, 2 का हुआ है, आदमी हो गया तू तो, ले देख टीका, क्लोज दिखा देना टीके का, कहां दूर से दिखा रहा है इंस्टा को, अगर तेरे को पता नहीं तूने किसके हाथ में फोन दिया, ये कह रहा होता कि अब आदमी हो गया तो शादी का कुछ सोच रहे हो। हाँ इसकी शादी है ना भी। यार सिप्पू तुम तो मांग सी भर दी इसकी टीके के नाम पे, ठीक है ना, टू डॉग्स इन वन फ्रेम, वन खच्चर बिहाइंड द कैमरा। मेरा भाई तो भाई कह रहा खुद की जो ऊपर कार आ रही है मेरे लिए इंस्टो, एक ला दो यार कोई, अभी केक तो तूने पहले ही खा लिया। इंस्टा का भी जुगाड़ कर दिया, कैसे इंस्टा का जुगाड़ भी कर दिया मैंने, कैसे
बस बातचीत है भाई, बातचीत है। आ मेरा बच्चा। अरे इंस्टा, ये तो अपनी कैंडल तो जला लेता भाई। बेटू जल्दी खाओ। सही चल रही यार, लंबी वाली है तो बढ़िया चल रही ना, होगी बस। बेटू चल, अब इंस्टू का हो गया। अरे केक तो खा लें दो। मैं डोज कर रहा हूं एक बार। इंस्टू कैसा लगा आइडिया वैसे? लो मुझे नहीं खिलाएगा थोड़ा सा? कल ये भी जा रहा है सुपर कार लेने के लिए? नहीं, कैरामेल ड्राइवर। तो क्या कुत्तों की तरह क्यों खा रहा है? कुत्तों की तरह पाला है क्या तुझे हमने? तो क्या मैं बता नहीं सकता कैसे कैसे पाला है। प्यार से पाला है तुझे? थोड़ी सी तो इज्जत रखो यार, थोड़ी सी तो इज्जत रख लो। अब ये जो गिरा है ना कुत्ते वाली हरकत करिए, तो ये भी कुत्ते वाली हरकत करके चाट लियो चुपचाप। क्या मेरे को मत बता, मुझे पता क्या करना है। चाट लियो इसे, खा लेगा। सिबू आ गई। अरे पहले मोमबत्ती जलेगी भाई। अच्छा, खुद ही बताओ, अपने बर्थडे पे बेचारे को खुद ही जलानी पड़ रही है। मैंने भी अपने बर्थडे पे खुद ही जलाई थी। अलग ही मजा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी फैमिली हो गई। अरे सही में ऐसे लग रहे हो तीनों के तीनों। खाना है ऐसे खिला दो। लॉलीपॉप मांग रही थी वो तो इंस्टा खा गया। मैं ऐसे दिखा रहा वीडियो में आया। मीठे का दीवाना है वैसे। अभी भी मंडरा ही रहेगा, अभी और मिलेगा। मांग भर दी वैसे, सही कह रहे हो मैंने इसकी। चलो भाई हैप्पी बर्थडे। ये लो, ये ऐसा के काटा किसी ने सिमेट्रिकल बिल्कुल। ऐसे क्यों काट रहे हो? स्पाइडरमैन वाला लग रहा है। स्पाइडरमैन मतलब कुछ भी है। देखो मैं पहले बेकरी में काम करता था ना यार। इंस्टा ने तो खा लिया, इंस्टा को तो क्या खिलाऊं। ये ले हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। इतना सा ही प्यारा सा व्लॉग था। इंस्टा का भी बर्थडे मनाया, रचित का भी बर्थडे मनाया और भाभी को फोन दिया। मतलब ये अलग अलग खुशियां हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, बट क्या करें, तीनों चीजें एक साथ ही करनी पड़ी। और बाकी भाई कल मतलब आज पहुंच जाना टाइम से यार, सब लोग प्लीज टाइम से पहुंच जाना। तो अभी का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूं क्योंकि सोने का टाइम हो चुका है और हमें जल्दी से कल की तैयारी करके और टाइम से निकलना भी है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप लोग वहां पहुंच के वेट करो, हम टाइम से ही ना पहुंचे, तो इसलिए सोना भी जरूरी है। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूं। बाय बाय, लव यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि व्लॉग अपने डेली आ रहे हैं। बाय बाय।